लेह विवर जिस टाइम हम आ गए हैं हादमई रोड पे, तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो मीठे के स्टॉल हैं आपको काफ़ी जगह पे मिलेंगे पूरी सिटी में। और एक जो नई डेवलपमेंट हुई है जी, अब माशाल्लाह सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं पूरे माशाल्लाह सियालकोट में, ये देख रहे हैं आप सामने, ये देखिए जनाब अली स्पेशल ठंडा और ताज़ा मीठे का जूस। और आप देखें किस तरह डेकोरेट किया हुआ है जी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जन, ठीक ठाक हो? आपके सामने हम बिल्कुल फ्रेश बनवाएंगे। और ये देखें साथ बर्फ़ ठंडा ठार, ये देख रहे हैं मीठे अंदर। अभी आपको पी के भी बताएंगे कड़वा कितना है, वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ले व्यूअर्स, अब आपको टेस्ट करके बताने लगा हूँ जी। मैंने तो वैसे पहले पिया हुआ है, लेकिन आपको जी आप बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी दुनिया में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का ब्लॉग हम फ्रूट पे कर रहे हैं, लेकिन आजकल सीज़न के आए हुए हैं जी मीठे। कहने को तो मीठे होते हैं ये, लेकिन जब आप इसको जूस पीते हैं तो बाद में मुँह भी कड़वा हो जाता है, लेकिन बड़ा फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। मैंने पहले भी आपको काफ़ी मरतबा बोला है कि जैसे कोई नया फ्रूट आता है तो आप लाजमी खाया करें, अपने बच्चों को भी खिलाया करें, ताकि उससे बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं जी, मीठे के स्टॉल लगे हुए हैं अब हर जगह पे, अब जाके आपको ठंडा ठार मीठे का जूस भी पिलाते हैं। और कल के ब्लॉग में मैंने आपको गोदपुर का जो सारा सिचुएशन बताई थी, बड़े मुश्किल हमने कल का ब्लॉग किया था, लेकिन अब हो सकता है कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह ये रोड भी बन जाएगी। तो बाकी अब चलते हैं, आपने मेरे साथ रहना है, पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो आइए बिला तखीर अब चलते हैं। ले व्यूअर्स, इस टाइम हम आ गए हैं हादमई रोड पे, तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो मीठे के स्टॉल हैं आपको काफ़ी जगह पे मिलेंगे पूरी सिटी में। और एक जो नई डेवलपमेंट हुई है जी, अब माशाल्लाह सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं पूरे माशाल्लाह सियालकोट में, ये देख रहे हैं आप सामने, इस तरह से पूरा सियालकोट माशाल्लाह सीसीटीवी कैमरों से अब हर चौक में लगाए जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा उत्साहन कदम है। और ये हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी जो सियालकोट की, उनको भी दाद देनी पड़ेगी कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है। अब थोड़ा सा ये है कि सिक्योरिटी वाइज बड़ा अच्छा हो जाएगा जी, जब हर चौक में कैमरे लगे होते हैं। तो अब यहाँ से हम जहाँ आप जाएँगे कोडली बहराम की तरफ, और आपको रास्ते में बताते हैं जी मीठे का जगह जगह अब आपको स्टॉल मिलेंगे। जैसे कभी आपको ये देखें यहाँ पे एक केजी स्टॉल है, लेकिन ये शरबत के ये सामने आपको दिखाते हैं जी, वो देखें ये भी मीठे का स्टॉल लगा हुआ है ये सामने देख रहे हैं। इसी तरह शॉप्स के ऊपर भी लगा होगा, तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा फ़ायदेमंद होता है जी मीठे का जूस। होता तो मीठा है लेकिन कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन हम चले सेहत के लिए पीने जा रहे हैं, इससे बड़ा अच्छा बीमारियों से आप बचते भी हैं। और ये देखिए ठेले लगे हुए हैं जी हर तरफ, कोडली बहराम वाली साइड में हम जा रहे हैं इस टाइम। और जैसे ही आप कोडली बहराम चौक में पहुँचेंगे आपको काफ़ी अच्छी शॉप्स भी मिलेंगी, जो कि मीठा मीठे के आपको। और ये देखें ये सामने रेड़ी भी आ गई है, और यहाँ आपको फ्रूट में देखिए अब मीठे चल रहे हैं जी, ये देख रहे हैं। वजन किस तरह मीठे? 250 रुपये किलो। तो आप यानी जूस घर पे भी निकाल सकते हैं, आप अगर बाज़ार से, बेहतर है कि घर में आप जाके इसको जनाब इसका जूस पिए, बड़ा मुफीद होता है जी। 250 रुपये किलो आपको मिलेंगे ये मीठे होते। ये देखिए इस तरह से हैं ऑरेंज की तरह, लेकिन तो बड़ा ही फ़ायदा होता है इनका। तो अभी हम चलते हैं आगे जाके स्टॉल से पीते हैं। हाँ जी बेहतरीन। तो आपको ये रेडियो पर भी मिलेंगे जनाब आपको जगह जगह। व्यूअर्स, आपने देखा जी जगह जगह आपको ये ठेले मिल रहे हैं और रेड़ियाँ मिल रही हैं मीठे की। तो अब हम बस पहुंचने वाले हैं, ये सामने आपको दिखाते हैं जी कोडली बहराम। और जैसे ही पहुंचेंगे आप चौक में तो आपको प्रॉपर दुकानें मिलेंगी, जूस कॉर्नर्स पे भी आपको ये मिल जाएंगे। तो अब जाके आपको ठंडा ठार सा जनाब पिलाते हैं मीठे का शरबत, मीठे का जूस कह सकते हैं, शरबत तो नहीं, मीठे का जूस आपको मिलेगा जी फ्रेश। ये बस मैं पहुंचने वाला हूँ, ये देखिए ये भी शॉप आप देख सकते हैं, यहाँ से पी लेते हैं अगर कहते हैं तो, आगे भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा आगे जाके। तो ये देखिए जनाब अली स्पेशल ठंडा और ताज़ा मीठे का जूस। और आप देखें किस तरह डेकोरेट किया हुआ है जी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जन, ठीक ठाक हो? क्या है जनाब, ठीक ठाक हो? किस तरह जूस है भला? 200 का। अच्छा ये जी 200 रुपये का आपको मिलेगा ग्लास, आपके सामने हम बिल्कुल फ्रेश बनवाएंगे। और ये देखें साथ बर्फ़ ठंडा ठार, ये देख रहे हैं मीठे अंदर। तो
कॉफ़ी भाईजान को कहते हैं जी हमें ये गिलास पिलाएं, 200 रुपए का ये गिलास है, तो भाईजान एक बना दीजिएगा यार। ये देखें जिस तरह ये कटिंग करते हैं, ठंडे ठंडे जनाब ये मीठे उन्होंने निकाले हैं पानी में से, और ये कटिंग करके अगर आप ऐसा ऐसे भी खाना चाहें या चूसना चाहें तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन हम इसका जूस बनवाएंगे जी आपको, मेनू ये दिखाएंगे भी। ये मशीन है जी इनकी ये स्पेशल, और सिटिंग एरिया भी है यहाँ पे, आप बैठ के भी हैं आराम से। तो मैंने कहा चलें आज मीठे का जूस पीते हैं, आजकल सीज़न में आए हुए हैं जी। कितने देर पर जाना बना रहता है? 2 महीने, महीना दो माह रहेगा, यानी ये 2 महीने जनाब मिलते रहेंगे आपको मीठे का जूस, लेकिन मेरे कहने पे पिएगा ज़रूर क्योंकि इसके बड़े ही फ़ायदे हैं। और ये देखें काला नमक शामिल किया उन्होंने, और बर्फ़ देख सकते हैं आप थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, और ये वही मैनुअल मशीन है जो देख रहे हैं आप। तो मेरे आउट ऑफ कंट्री में जितने व्यूवर्स हैं वो तो बड़ा खुश होंगे यार आजकल ये देख के, ये पुरानी मशीन इसी तरह से आप ऑरेंज जूस भी निकालते हैं। ये देखें ये गिलास हमारा तैयार हो रहा है, ये आपको पी के भी बताएंगे कड़वा कितना है वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जूस निकलना शुरू हो चुका है और 200 रुपये का आपको ये गिलास मिलेगा, और जगह जगह ये आपको रेडियां भी मिलेंगी, आपको जनाब ये शॉप पे भी मिलेगा मीठे का जो जूस है। और भाईजान शॉप आपको मैंने बता दिया जी, ये कोडली बेराम चौक में, और यहाँ से भी आके पी के जा सकते हैं। ये जी बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसको डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर जनाब ये देखें, कलर आप देख सकते हैं इस तरह का ये कलर होता है, आप बैठ के यहाँ आराम से पीते हैं जी। ले व्यूअर्स अब आपको टेस्ट करके बताने लगा हूँ जी, मैंने तो वैसे पहले पिया हुआ है लेकिन आपको जी आप बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी माशाल्लाह बहुत आला, बड़े मज़े के है, ठंडा ठार है, और वाकई में ये बड़ा मुफीद होता है। आप इसके टेस्ट में ना जाइएगा अगर थोड़ा सा आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन आप लाजमी पिएँ क्योंकि ये सीजनल फ्रूट होता है, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये पीने के बाद थोड़ा सा मुँह कड़वा कड़वा भी लगेगा, लेकिन फिर भी आप इसको आके पिएँ, बड़ा मुफीद चीज़ है ये। तो अब जनाब हम पीते हैं, और आपको शॉप मैंने दिखा दिया है बल्कि पूरे पाकिस्तान में, आपको लाहौर में है, आप इस्लामाबाद में हैं, आपको ये मिलेंगे जी मीठे हर जगह पर। हम सियालकोट से हैं, तो अब जनाब हम पीते हैं मीठे का जूस, और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। लेमन जूस तो हम पी रहे हैं साथ साथ, लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ, जिस शॉप पे हम आए हुए हैं ये जनाब अभी तो आपको यहाँ पे मीठे का जूस मिल रहा है, लेकिन जैसे ही अब सर्दियाँ माशाल्लाह आने वाली हैं, कुछ ही कह लें मेरा महीना डेढ़ महीने के बाद सर्दियाँ आ जाएंगी अच्छे तरीके से, तो आपको ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर मिलेगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें इनके जनाब इन्होंने स्पेशल बोला कि आप हमें ये वीडियो में लेकर आए, बिस्मिल्लाह ड्राई फ्रूट, बड़ी पुरानी शॉप है जी ये कोडली बेराम पे कॉर्नर पे, यार इनको बड़ा अच्छा आपको ड्राई फ्रूट भी यहाँ से मिलेगा, देख रहे हैं जी ये। और अब जनाब जूस पर सब थोड़ा देर में ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि चैनल मेरा देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, आते हैं आपको सियालकोट की सैर करवाता हूँ, और माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे फूड ब्लॉगिंग भी हमने की है, तो आप आपका फ़र्ज़ है कि आप लाजमी लाजमी चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो अब जनाब थोड़ा सा रह गया, मुँह कड़वा हो गया, थोड़ा थोड़ा मुँह कड़वा लग रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत मुफीद है, आप लाजमी पीजिएगा आके जब भी कभी मौका मिले तो। ले व्यूअर्स यकीन जाने ठंड पड़ गई है, बड़ा ही मुफीद और बड़ा ही ठंडा होता है ये जो मीठे का जूस है, तो अब हमने पी लिया है, अब चलते हैं बाहर और आपको जनाब दिखाते भी हैं, थोड़ा सा सिटी भी आगे सामने जाते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पे जनाब हम पैसे देते हैं इनके, और फिर इंशाल्लाह आपको आगे थोड़ी सी सैर करवाते हैं। ले व्यूअर्स भाईजान ने जनाब डिस्काउंट भी दिया हमें, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, तो बाकी दोस्त आएँगे उनको भी डिस्काउंट लाजमी कीजिएगा। ले जनाब जो इधर आएगा इनके शॉप पर उनको डिस्काउंट भी मिलेगी, तो अभी चलते हैं जी अब आगे और आपको सैर करवाते हैं थोड़ी सिटी की। अभी बस जैसे हम आगे जाने लगे थे तो एक दोस्त मिल गया हमें, इससे हमने जामुन भी खाए थे, लेकिन आज उन्होंने कहा हमारी जनाब जो सीजनल फ्रूट होते हैं ये हमेशा लेकर आते हैं, ये मेरा सब्सक्राइबर भी है और ठीक ठाक वो वीडियो देखते हो, हाँ जी ये वीडियो भी देखते हैं, और आजकल जनाब
अंगूर भी बड़ा अच्छा आया हुआ है, सुंदरखानी अमरूद अंगूर आया हुआ है। और ये देखें सुंदरखानी है ना, ये सुंदरखानी, ये देख रहे हैं जनाब, ये देखें जी ये वाला, ये लाजमी घर जाके हमने धो के खाना है। और किस तरह का अजन किलो? ये सर जी 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो नहीं जी, 400 रुपये किलो आपको ये नीचे आ गया, पहले 600 के अंदर था इसका रेट, और अब ऐसे ऐसे कम हो रहा है। अच्छा 600 से मछला नीचे आ गया जी, अब नीचे आ गया। नहीं जी 600 से ये शुरू हुआ है, लेकिन अब 400 पे आ गया है। अब मैंने एक दो दाने इनसे पूछ के खाए हैं, वो इसलिए कि मुँह थोड़ा थोड़ा कड़वा हो गया था मीठे का जूस पी के। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आ गए उसी ब्लॉग, मुझे स्पेशल बुला के लाया कि जनाब हमें ब्लॉग में लें। तो ये ठेला जनाब आपको ये हादमाई रोड के ऊपर ही मिलेगा। ओके जनाब, फिर चलते हैं आगे हम, अल्लाह हाफिज़। ले व्यूअर, जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको ये चौक में भी ये देख रहे हैं, जगह जगह आपको ये जनाब मिलेंगे मीठे के जूस के जो है ना शॉप। तो अब हम जा रहे हैं जी कश्मीर रोड, कल हमने आपको दिखाया था गोदपुर का इलाका सारा, और लेकिन बड़ा मुश्किल था जी कल का ब्लॉग, सबसे टफ था। ये देखें जी हम कश्मीर रोड पे भी आए हैं, तो आपको जगह जगह ये देखें मीठे के जूस के जनाब आपको ये रेहड़ियाँ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ जी जगह जगह पर। ये देखें ये भी है, आपको मैंने बोला था ना कि आज का सीज़न है, आपको हर इलाके में हर रोड के ऊपर ये रेडी मिलेगी। ये देखिए ये भी है, ये देख रहे हैं आप, तो माशाल्लाह जी हर जगह रौनके लगी हुई हैं। ले व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैंने आपको मीठे का जूस पिलाया है, और आपको ठेले भी दिखाए हैं, जगह जगह पे आपने रेडियाँ देखी हैं। तो अब ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं और घर जाके फिर आपसे इंशाल्लाह बात होती है। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं हम, और आज के ब्लॉग में आपको सीजनल फ्रूट के ऊपर हमने ब्लॉग किया है, और आजकल मीठे आए हुए हैं, नाम के तो ये मीठे हैं लेकिन कड़वे हैं, थोड़ा सा कड़वा हो जाता है मुंह। उसके बाद हमने अंगूर खाए हैं, फिर थोड़ा सा मुंह का टेस्ट जो है वो अच्छा हुआ है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं आपको फिर बताता चलूँ। आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है, उसके साथ साथ जनाब अली आपको बहुत सारी बीमारियों से ये बचाता भी, अगर आप इसका जूस पीते हैं तो लाजमी जाएँ पिएँ और बच्चों को भी पिलाएँ। और बाकी जनाब मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बरदयाल गांव का बोला हुआ है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वहाँ पे विज़िट करूँगा, और इंशाल्लाह उस पर व्लॉग करेंगे। काफ़ी रोज़ कहले हर रोज़ बल्कि मैसेज आते हैं, तो मैं उनसे अपने इस व्लॉग के तौर से बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जल्द चक्कर लगेगा बरदयाल गाँव, जो केमनाबा रोड के ऊपर है, तो उस पर हम व्लॉग करेंगे। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी मैं दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।